श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए एक नया विषय। साल 2019 के शुरू होते ही गोचर में कुछ इस तरीके की घटनाएं होने लगी कि ग्रह बहुत तेजी से राशि बदल रहे हैं, वक्री अवस्था में चल रहे हैं। जहां शनि वक्री अवस्था में है, राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया है, वो भी वक्री है, तो वहीं गुरुदेव बृहस्पति ने भी बहुत ही तेज गति से राशि बदली और राशि बदलकर वापस उसी राशि में परिवर्तन हो गया। मार्च के महीने में बृहस्पति धनु राशि में अतिचारी स्थिति में पहुंचे, यानी बहुत तेज स्थिति में पहुंच गए, और उसके बाद फिर से वापस वृश्चिक राशि में आ गए। और वृश्चिक राशि में ही एक ग्रह वक्री रहेगा। 11 अगस्त 2019 तक गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे। जब भी बड़े ग्रह जैसे सूर्य से बृहस्पति, मंगल और शनि छठे, सातवें, आठवें स्थान में गोचर करते हैं तो ये ग्रह उतने समय के लिए वक्री हो जाते हैं। तो लगभग 11 अगस्त 2019 तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। और बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया। यदि ब्रह्मांड में कोई ग्रह बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में हो और वो वक्री हो जाए तो उसका फल कोई इतना बुरा होता नहीं है। उसी बृहस्पति के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि बृहस्पति 12 राशि वालों के लिए किस तरीके का परिणाम लेकर आ रहे हैं। वक्री ग्रह को शास्त्र में शक्त कहा गया है। शक्त का मतलब होता है शक्तिशाली, यानी उसके फल देने की स्थिति बढ़ जाती है। वो स्थिति शुभ भी हो सकती है, वो स्थिति अशुभ भी हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर उसका संबंध खराब स्थिति से बनता है, कुंडली में खराब बैठा है, दशाओं में खराब है, तो स्थिति खराब हो जाएगी। वरना तो ये ग्रह विशेष शुभ फलदायी माना गया है, इसलिए बृहस्पति को हमेशा सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला। अकेला बृहस्पति 2 राशियों का मालिक है, एक जगह बैठेगा, 3 जगह देखेगा, तो कम से कम 7-8 भावों को अपने आप कंट्रोल कर लेता है। और वो 7-8 भाव यदि शुभ स्थिति में आ जाए तो व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको सभी तरफ से तरक्की की स्थिति मिलती चली जाती है। तो आज हम बात करेंगे गुरु बृहस्पति के बारे में कि गुरु बृहस्पति 12 राशि वालों के लिए किस तरीके का परिणाम लेंगे अगर ये वक्र अवस्था में रहेंगे। और ये वक्र अवस्था 11 अगस्त 2019 तक रहने वाली है। तो आज उसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पर हमें एक चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, लग्न से गोचर देखें या चंद्रमा से गोचर देखें। देखिए, चंद्रमा से ही गोचर ज्यादा बेहतर होता है देखना। लगभग 70-75% तक इफेक्ट जो है वो चंद्रमा से आते हैं, यानी राशि से। इसलिए हम राशि के आधार पर इसकी गणना ज्यादा करते हैं। लग्न के आधार पर भी इसके परिणाम मिलते हैं, लेकिन इतने नहीं मिलते हैं। तो अब मैं बात करूंगा मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये वक्री होना कैसे फल देगा। मेष राशि से बृहस्पति नवम भाव में आए और नवम भाव से वापस अष्टम भाव में वक्री हो गए। भाग्य स्थान का मालिक और द्वादश स्थान का मालिक अष्टम भाव में वक्री हो गया। यह स्थिति अचानक से आपको किसी प्रकार की यात्राओं में डाल सकती है, दूर की यात्रा करा सकती है, विदेश यात्रा कराएगी, आप घर परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, या किसी तीर्थ यात्रा पर या कहीं पर्यटक स्थल पर घूमने की स्थिति बनती है। ये स्थिति पैसे के लिए काफी बेहतर मानी गई है। आपका यदि कोई कार्य पैसे की वजह से अटक रहा है या आपके पैसे कहीं पर अटके हुए हैं तो वो स्थिति पैसे के लिहाज से बेहतर है। आपको वहां से पैसा मिलना वापस शुरू हो जाएगा। पैतृक संपत्ति में लाभ या पैतृक संपत्ति से संबंधित फायदा आपको दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी प्रॉपर्टी की परचेज करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी एक अच्छा योग है। यदि आप उसमें लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो वो प्रयास अब जाकर आपके लिए सफलता लेकर आया है। तो बृहस्पति का ये योग धन के लिए भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर अच्छा है। थोड़ा सा ये फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ नवम भाव के मालिक होकर अष्टम में बैठ रहे हैं। दूसरी बात, भाग्य स्थान का मालिक जब अष्टम भाव में घूमेगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति को जल्दबाजी से बचना है, वरना वो स्वयं के भाग्य पर लात मारने की स्थिति वाली बात हो जाएगी। कि आपका काम बहुत अच्छा होगा, उसके प्रति आप प्रगति कर रहे होंगे,
लेकिन जल्दबाजी करके आप अपने कार्य क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति के गोचर में ये दो सावधानियां जो मैंने आपको बताई है वो ध्यान में रखनी है, वरना काफी बेहतर है आपके लिए बृहस्पति का ये गोचर। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव में बृहस्पति वक्री हुए हैं, जो कि अष्टमेश और एकादश स्थान के मालिक हैं। तो ये स्थिति उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों को विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा। विवाह के प्रस्ताव आते हैं, चले जाते हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह के लिए एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है। साझेदार से थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है कि आप सावधानी रखें। साझेदार से किसी प्रकार की छोटे मोटे मनमुटाव के कारण आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए संयम रखें, अपने व्यवहार में भी संयम रखें और कोशिश करें शांत रहें। लाभ के भी अवसर आपको बहुत अधिकतर बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ अष्टमेश भी है, इसलिए अचानक से किसी प्रकार की प्रगति या किसी प्रकार का फायदा आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो बृहस्पति का एकादश भाव से संबंध है, लगन से संबंध है, तीसरे घर से संबंध है, तो यात्राओं का समय है, यात्राएं कीजिए, अपने कार्य को बढ़ाइए, अपने कार्य को मीडिया से जोड़िए, प्रचार कराइए, कम्युनिकेशंस जितना ज्यादा अपने व्यापार में लोगों से रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बहुत बेहतर रहेगा। सप्तम भाव में जब बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मान सम्मान की स्थिति भी आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। तो वृषभ राशि वालों के लिए अष्टमेश और एकादश बृहस्पति का सप्तम में वक्री होना थोड़ी सावधानी का विषय तो है। यहाँ हेल्थ इश्यूज आपको हो सकते हैं। यदि आप अपने परिवार में कुटुंब के लोगों से थोड़ा सा संयम बना के चलेंगे तो आपको काफी लाभकारी रहने वाला है आने वाले समय में। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर किस प्रकार के परिणाम लेकर आ रहा है। मिथुन राशि से छठे घर में बृहस्पति देव वक्री हुए हैं, जो कि सातवें और दसवें घर के मालिक भी हैं। छठा घर जो कि पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा, प्रतियोगिता, रिपु, ऋण, कर्ज, शत्रु आदि के लिए जाना गया है। वहां पर अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो कहीं ना कहीं अगर शत्रु आपके पीछे लगे हुए हैं या आपके कार्य को बिगाड़ना चाहते हैं तो वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा प्रभाव रहेगा या ऐसी ईश्वरीय शक्ति रहेगी कि वो अपने आप ही अपने कार्य को स्थगित कर देंगे, आपका पीछा छोड़ देंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। ये स्थिति नौकरी में प्रमोशन दिलाने वाली एक कंडीशन बन रही है। आपके ऊपर संघर्ष तो बढ़ेगा, आप मेहनत तो काफी करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन उसके लिए आपको बहुत तरक्की मिलेगी। व्यापारिक और नौकरी वर्ग दोनों के लिए ये स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। थोड़ा सा जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति बनती है। यदि आप विवाह के लिए अपने रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा भी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति का छठे घर में गोचर सप्तम भाव को थोड़ी हानि तो पहुंचाता है। इसलिए आप ऐसे कार्य से भी बचें जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आए, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का भाव है, ये व्यवसाय का भी भाव है, तो आपकी स्वयं की गलती आपके लिए हानिकारक होगी। पैसे के इन्वेस्टमेंट में, पैसे के लेन देन में सावधान रहें। यदि आप किसी कार्य क्षेत्र के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आपको इस दशा काल में या इस गोचर में आपको मिलने की संभावना बनेगी, क्योंकि ये स्थिति पैसे के लिहाज से बहुत बेहतर है। आप अपने कार्य को वाणी के द्वारा सिद्ध करेंगे, यानी अपनी वाणी से लोगों के बीच में प्रभाविता लाएंगे, जिससे लोग बाग आपसे प्रभावित होकर आपसे जुड़ेंगे और आपको कार्य क्षेत्र में सफलता देंगे, आपको नया काम देंगे, जिसको लेकर आप आने वाले समय में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात करेंगे अब हम कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि में बृहस्पति पंचम भाव में वक्री हुए हैं और छठे और भाग्य स्थान के मालिक हैं। ये स्थिति शिक्षा के लिए बेहतर है, संतान के लिए बेहतर है, लाभ प्राप्ति की भी योग बहुत अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। योजनाएं बनाइए, जितना ज्यादा आप अपनी योजनाएं बनाएंगे उनमें संयम रखेंगे, धीरे धीरे से चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, उतना ही आपके लिए बहुत लाभ होगा। पंचम में बृहस्पति, जितना आप अपने विवेक से और बुद्धि को दोनों को एक साथ मिलाकर सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए, यानी अपने कार्यस्थल को भी ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि भाग्य वृद्धि के आपको योग चल रहे हैं, धार्मिक यात्राओं के योग चल रहे हैं, फादर से आपको सहयोग मिलेगा, धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान आदि से जुड़कर कार्य करोगे तो आपके लिए बहुत लाभ मिलेगा।
प्रतियोगिताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप एजुकेशन में हैं और आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसको क्लियर करने के लिए भी कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छे चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और जल्दबाजी किसी प्रकार की नहीं करनी। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति चौथे घर में वक्री हुए हैं, पांचवे और आठवें घर के मालिक हैं। ये स्थिति जमीन जायदाद पर क्रय विक्रय की स्थिति बनाती है। आपकी संतान को शिक्षा के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, या आप स्वयं शिक्षा कर रहे हैं तो घर से दूर जाकर शिक्षा करने के योग हैं। पैतृक संपत्ति में लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में कोई नई तब्दीली करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जैसा व्यापार चल रहा है उसको ऐसे चलने दें, आपको लाभ के अवसर बनते नजर आएंगे। फिजूल खर्च थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं, अचानक से कोई फिजूल खर्च आ जाना, या बेकार की परेशानी या बेकार की यात्राएं जिनके ऊपर आपका पैसा इन्वेस्ट होने की स्थिति बन सकती है। क्योंकि बृहस्पति चौथे घर में है, हो सकता है वो स्थिति आपको परिवार की वजह से बने, या परिवार के सदस्य या मिलने जुलने वालों की वजह से आपको अपना कार्य को थोड़ा सा छोड़कर या कार्य को रोककर उनके साथ जाना पड़े, जो कि आपको परेशानी में ला सकती है। पेट रोग की स्थिति आपको बनती है। जमीन जायदाद यदि आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्लियर कर लें कि वो जिस जमीन को आप खरीदना चाह रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स क्लियर है या नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए तीसरे भाव में बृहस्पति वक्री होंगे, चौथे और सातवें घर के मालिक हैं। ये स्थिति विवाह योग लेकर आ रही है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के प्रस्ताव बढ़ेंगे, पद प्राप्ति के योग बढ़ेंगे, यानी प्रमोशंस के स्थिति आपको बढ़ती नजर आ रही है। धर्म में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, यानी आप धार्मिक लाभ लेने के लिए तैयार रहिए। आपको धर्म के कार्यों से जुड़कर लोगों के बीच में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने की स्थिति बन रही है। लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन के भी योग आपको इस गोचर में बनते नजर आ रहे हैं। भूमि के क्रय विक्रय में सावधानी रखें। यदि आप कोई भूमि लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि कन्या लग्न वालों के लिए बृहस्पति मार्केश भी हैं तो बाधकेश भी हैं। अब कन्या राशि से ये स्थिति बनेगी तो रिश्तों में टकराव आने की स्थिति होगी। आपके पड़ोसी से, आपके छोटे भाई बहनों से, आपके रिश्तेदारों से किसी प्रकार की छोटी मोटी कहा सुनी के कारण आपके संबंधों में परेशानी आ सकती है। ये स्थिति पति पत्नी के लिए भी ज्यादा बेहतर नहीं है। कोई भी नया कार्य करें तो उसके बारे में सोचें और कोशिश करें उस कार्य को अभी अवॉइड ही करें। किसी भी कार्य विशेष में भाग लेने के लिए आप अपने बड़ों का सहयोग लीजिए। जितना ज्यादा आप अपने कार्य में बड़े भाई या अपने घर के बड़े लोगों को इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। बात करते हैं हम तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि से दूसरे भाव में बृहस्पति वक्री हुए हैं, तीसरे और छठे घर के स्वामी भी हैं। दूसरे भाव में यदि कोई भी शुभ ग्रह वक्री हो जाए तो ये स्थिति आपके स्टेटमेंट में प्रॉब्लम ला सकता है। यानी आपका कोई स्टेटमेंट जो आपने पहले दिया था, या कोई वचन आपने अगर पहले दिया तो उस जो पहले दिया था और जो इस बार आप बोलेंगे उसमें अंतर आ सकता है। तो थोड़ा सा अपने स्टेटमेंट्स को बोलने में थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। जो भी आप बात दें, या जो भी आप वचन दें, या जो भी आप प्रवचन दें, या जो भी आप किसी को सलाह दें, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, जिस डिफरेंस के कारण आपको स्वयं ही हानि का योग बनेगा। ये स्थिति शत्रुओं को दबाने वाली होगी। थोड़ा सा इस दशा में कर्जे से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। कर्ज की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने कार्य क्षेत्र को चलाने के लिए कर्ज आदि लेना पड़े, लेकिन उससे जितना ज्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। कहीं भी पैसा लेन देने से पहले थोड़ा सावधानी रखिए। कुटुंब स्थान में बृहस्पति का वक्री होना थोड़ा सा एक समस्या और भी देता है। यदि आप अपने ऐसे समय में यदि कुटुंब के लोगों से मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको पैसे हानि के योग बनते हैं, यानी आपका पैसा ज्यादा लग जाएगा, आपका इन्वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, जिसका आपको फायदा ज्यादा मिलने का नहीं है। कुटुंब के लोगों से छोटी सी बात पर किसी भी बात को लेकर विवाद बन सकता है और वो विवाद काफी लंबा भी हो सकता है। लेकिन दूसरे घर का बृहस्पति, क्योंकि उसका अष्टम भाव से संबंध है, तो अचानक से धन लाभ मिलने की स्थितियां भी आपको बन रही हैं। अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान दीजिए, संयम रखिए, कोशिश कीजिए जल्दबाजी से बचे रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए लग्न में ही बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं।
द्वितीय और पंचम स्थान के मालिक हैं। शुभ ग्रह का लगन में वक्री होना स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत बेहतर है। शिक्षा के लिए अच्छे योग हैं। संतान प्राप्ति का अच्छा अवसर बनता दिखाई दे रहा है। आपकी शिक्षा में तरक्की मिलेगी। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय प्राप्त करेंगे। भाग्य लाभ मिलेगा। धार्मिक संस्थान, धार्मिक यात्राएं करने को मिलेंगी। बड़े अधिकारियों से जुड़कर या धर्माधिकारियों से, राजनीतिज्ञ लोगों से जुड़कर आप अपने कार्य क्षेत्र में फायदा लेंगे। वाणी से आपको लाभ मिलेगा। कुटुंब के लोगों से थोड़ा कहा सुनी की स्थिति बनती है, लेकिन कुटुंब के लोग आपके लिए इस समय के दौरान सब तरीके से तैयार रहेंगे। उन लोगों से आपको पैसे से संबंधित फायदा भी मिलने के पूरे योग चल रहे हैं। थोड़ा ऋण से बचें। अपने निर्णय लेने से पहले थोड़ा सावधानी रखें, उसके किसी अन्य लोगों से उसकी सलाह ले लें। जितना संयम से आप अपने निर्णयों को लेंगे, वही निर्णय आपको आगामी समय में बहुत बेहतर लाभ भी देंगे। धनु राशि वालों के लिए 12वें घर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। लग्न और चौथे घर के मालिक हैं। लग्नेश का 12वें घर में जाना और वक्री होना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना गया है। आपको व्यर्थ की उलझनों, व्यर्थ की स्थितियों, व्यर्थ की परेशानियों से बचना है। बेवजह की यात्राओं से बचना है, क्योंकि जब लग्न का मालिक 12वें घर में पहुंच जाए तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट, आपका शारीरिक इन्वेस्टमेंट, आपकी मेहनत, आपके पैसे बिना बात के खर्च हो जाएंगे। उसमें आपको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो भूमि पर भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर है। थोड़ा सा जांच पड़ताल करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। भूमि परचेज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। गलत के कार्यों से बचिएगा। यदि आप कोई गलत संगत का शिकार इस दौरान हो जाते हैं तो आपके लग्न को यानी आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसलिए जल्दबाजी से बचिएगा, पैसे की सावधानी से बचिएगा। शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, किसी को ब्याज पे पैसा बिल्कुल भी ना दें। मकर राशि वालों के लिए एकादश भाव में बृहस्पति वक्री हुए, द्वादश और तृतीय स्थान के मालिक हुए हैं। ये दोनों स्थान कोई ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन एकादश भाव जो कि एक प्राप्तियों का भाव कहलाता है, वहां पर यदि कोई भी ग्रह गोचर में पहुंच जाए तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, या कुंडली में भी कोई ग्रह वहां बैठा हो, क्योंकि एकादश भाव हमेशा से एक प्राप्तियों का या किसी चीज को पाने का भाव कहा गया है। अब एकादश भाव में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो आपको दूर स्थानों से लाभ के योग बनेंगे। यानी आप घर से दूर जाएंगे, टूर जाएंगे, ट्रेवलिंग्स करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। विदेश के लोगों से जुड़ के आपको लाभ की योजनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। विदेशी कंपनियों से जुड़कर, विदेशी लोगों से जुड़कर, मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जुड़कर आप लाभ पा सकते हैं। क्रय विक्रय में थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। गलत के कार्यों से आप बिल्कुल बचे रहें। धन का व्यय, क्योंकि 12वां भाव एक व्यय का भाव भी है, इसलिए अपने पैसे को खर्च करने से पहले या पैसे को कहीं इन्वेस्ट करने से पहले आपको सावधानी रखनी है। भूमि का क्रय विक्रय इस दौरान बिल्कुल भी ना करें। ये स्थिति आपके लिए नुकसान देने वाली होगी, क्योंकि हो सकता है उसके लिए आप कोई लोन वगैरह ले लें तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। धैर्य रखना होगा, जीवन साथी से तालमेल बना के रखना है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस दौरान विवाह होने के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए दशम भाव में बृहस्पति वक्री हुए हैं, जो कि 11वें घर और दूसरे घर के मालिक हुए हैं। दशम भाव में बृहस्पति जब होता है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे कार्य ज्यादा कराता है जो कि सामाजिक कार्य होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े कार्य हो रहे हैं। आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा जा रहा है। हो सकता है ये समय आप अपने कार्य क्षेत्र में ज्यादा ध्यान न लगा पाए, जबकि सामाजिक कार्यों में आपका ध्यान ज्यादा जाएगा। वाणी के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके स्टेटमेंट्स के लिए, आपके विचारों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। अपने विचार लोगों के सामने डालिए। जितने ज्यादा आप अपने विचारों को लोगों के सामने रखेंगे, लोग उनको पसंद करेंगे और ये स्थिति आपके कार्य क्षेत्र को भी बढ़ाएगी, आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने वाली होगी। तो पैसे से संबंधित ये समय बहुत बढ़िया है। व्यर्थ के कार्यों से बिल्कुल बचने की जरूरत है। इनकम सोर्स बढ़ते इसमें दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशंस के अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। छठे स्थान से इसका संबंध है तो शत्रुओं पर विजय मिलेगी। और नौकरी पक्ष वालों लोगों के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। उन लोगों को बहुत हद तक फायदे मिलने के अच्छे योग चल रहे हैं। बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि से नवम भाव में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, जो कि लग्न और दशम भाव के मालिक हैं। बृहस्पति नवम भाव में बैठकर लगन को वापस देखते हैं, इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये दशा अच्छी है। मान सम्मान दिलाएगी। लोगों के बीच उठने बैठने से आपको फायदा मिलेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नवम भाव क्योंकि धर्म और भाग्य का भाव भी कहलाता है, तो धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं बढ़ने के पूरे योग हैं। भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है।
कार्य क्षेत्र में तब्दीली से बिल्कुल बचना है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ दशम के मालिक हैं और नवम भाव में वक्री हैं। आप बस स्वयं अपना कार्य करते रहिए, अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। जो भी तब्दीली करने की अगर आप अपने काम में सोचेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगी। दूर जाकर शिक्षा करने के योग बन रहे हैं। यदि आपकी कोई शिक्षा अधूरी रह गई है या आपने शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, बाद की शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एमसीए करना चाहते हैं, कोई भी मास्टर डिग्री लेना चाहते हैं, या विदेश तक में जाकर आप अगर अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपके फादर का सहयोग आपको मिलेगा, आपका कर्म बढ़ेगा, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा। तो आज मैंने आपको बताया वक्री बृहस्पति के क्या फल होंगे। गोचर में जब वक्री बृहस्पति हो रहे हैं तो वो 12 राशियों पर क्या परिणाम लेकर आएंगे, उसके बारे में जो सावधानियां हैं और जो बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। कोई बात अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।